दोस्तों, हिंदी टेक ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं राजदीप, और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर बनने के लिए एक इंसान को कितना समय लगता है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि हमें वेब डेवलपर बनना है तो कितना टाइम लगेगा, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। और कई लोग तो कमेंट भी करते हैं कि मैं इतना टाइम से सीख रहा हूँ, स्टिल मैं सीख नहीं पाया हूँ। तो एग्जैक्टली कितना टाइम लगता है वेब डेवलपर बनने में, मैं वही चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ। तो गाइज, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपको वेब डेवलपर बनने में कितना समय लगेगा। डिपेंड किस पे करता है कि आप किस लेवल पे है। तो अभी मैं ये अज्यूम करूंगा कि आप 0 लेवल पे हैं और वहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप 0 से स्टार्ट करते हैं और डेली 4 to 5 hours अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको 3 से 3.25 महीने लगने हैं, और उसका कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से है। अगर आप डेली 5 hours प्रैक्टिस करते हैं तो 3 मंथ में 90 days के आपके होते हैं 450 hours। तो 450 hours में 50 hours आप और ऐड कर दीजिए, जो कि कुछ 1 week में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसके हिसाब से 500 आवर्स आपको चाहिए वेब डेवलपमेंट के करियर को स्टार्ट करने के लिए। तो अगर आप 500 आवर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो करियर है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा समय से ट्राई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा समय से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपना करियर स्टार्ट नहीं कर पाए। तो गाइस, वहाँ पर फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो गलत रिसोर्सेज को फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग होते हैं जो उनको पता नहीं होता एग्जैक्टली कि उनको कौन कौन सी चीज़ें कब कब करनी है। मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले आपको HTML करना है, CSS करना है, फोटोशॉप करना है, इन ऑर्डर टू बिकम ए फ्रंट एंड डेवलपर। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको ये तक पता नहीं होता कि हमें फ्रंट एंड करना है, बैक एंड करना है, या फिर डिज़ाइनिंग में जाना है, या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाना है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, वो बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये फोकस करना होगा कि आपको करना क्या है, उसके बाद आप सही रिसोर्स को फॉलो करें। मैंने जो वीडियोज़ बनाई है उनको फॉलो करें, उनको आप जितनी बार देखेंगे और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी वैल्यू आपको मिलनी है। तो उन सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करें तो आप डेफिनेटली 3 मंथ में एक वेब डेवलपर बन सकते हैं। और जब मैं बात करता हूँ वेब डेवलपर की, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप एक एडवांस वेब डेवलपर बन जाएंगे, उसको बनने में आपको बहुत समय लगेगा। लेकिन वैन आई से प्रोफेशनल वेब डेवलपर का मतलब ये है कि आप प्रोफेशनली कुछ अर्निंग कर पाएंगे, एक फ्रेशर जॉब आप कर पाएंगे। ठीक है, आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप एज ए फ्रेशर जॉब आपको मिल जाएगी सिर्फ 3 मंथ के अंदर। बाकी ये है कि इट्स नॉट ईजी, आपको बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी, और कंसिस्टेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको कंसिस्टेंट रहना होगा अगर आपको 3 मंथ में ये सारी चीज़ें कवर करनी है। तो गाइस, आप जब से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, जस्ट कैलकुलेट करें कि 500 आवर्स मुझे कंप्लीट करना है, और 500 आवर्स में आपको आपका बेस्ट देना है जब आप सीख रहे हैं और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उसके बाद आपको डेफिनेटली कोई भी कंपनी में एज ए फ्रेशर आपको जॉब मिल जाएगी, और आप छोटे मोटे फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी ले पाएंगे। और ये जो करियर पाथ है वो बहुत ज़्यादा लंबा है। आप बेसिक 3 महीने में स्टार्ट करेंगे, आप 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो गाइस, इस वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि आपको कितना समय लगेगा एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर बनने में, और ये इस वीडियो के साथ मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि बहुत लोगों के दिमाग में उससे रिलेटेड डाउट्स होते हैं वो मैं क्लियर करूंगा और उस बारे में डिस्कशन करूंगा। तो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप चाहते हैं कि मैं इन वीडियोस में डिस्कस करूं तो मुझे कमेंट करिए, और अगर आपने अभी तक फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाइए फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करिए, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी कम्युनिटी है जहाँ पर आपको आपके डाउट्स ईजीली आपको उसके आंसर मिल जाएंगे। कमेंट्स में तो मैं हर सभी के कमेंट्स में रिप्लाई करता हूँ, आपने देखा ही होगा। बाकी अगर मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँ कमेंट्स को रिप्लाई करने में तो जो फेसबुक की कम्युनिटी है वहाँ पर आपको कुछ दूसरे भी लोग हैं जो आपकी हेल्प कर पाएंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मुझे प्लीज़ बताइए लाइक करके, कमेंट करके कि वीडियो पसंद आया, और इस वीडियो को, इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। और इस वीडियो के लिए इतना ही, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।